हिफाजत देश की हिफाजत, संविधान की हिफाजत देश की हिफाजत, संघ परिवार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संघ परिवार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संघ परिवार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संघ परिवार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मस्जिद को टारगेट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राम साहब बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। वाजिद साहब क्या कहना चाहिए यार? मुफ्ती वाजिद साहब, ये मामला निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई की जा रही है। जिस तरह से हिंदू पक्षकार जो फुहारा है वो जो खाने का उसे शिवलिंग बता रहे हैं, तो इस पर तो अभी अदालत में बहरहाल सुनवाई चल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये अदालत के जरिए से जो कानूनी खिलवाड़ और मजाक किया जा रहा है उसके ताल्लुक से हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं कि हम अदालत के जरिए से दोबारा इस मुल्क में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं होने देंगे। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की तरफ से पूरा ऑल इंडिया लेवल पे हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोटेस्ट रखा गया है। मस्जिदों का तहफ्फुज 1919 एक्ट के वर्शिप प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक मस्जिदों की हिफाजत और मस्जिदों का तहफ्फुज ये कानूनी हक है। और 1947 के बाद से जिस मस्जिद की जो हालत थी उसमें किसी भी तरह की कोई भी मुदाखलत कानूनन जुर्म है, अदालती जुर्म है। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि किसी तरीके से जो अदालत में केस लिया गया है ये केस लेना भी कानूनन गलत है, इसलिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी वायलेशन है और पार्लियामेंट में जो एक्ट बनाया गया था उसके भी खिलाफ वर्जी है। ऐसी सूरत के अंदर लोअर कोर्ट के फैसले को डिसमिस करना चाहिए। इस मुल्क में दम तोड़ रही है उसके मुकाबले में हम वक्त तैयार खड़े रहेंगे। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद परिवार, आपका बस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, का प्रस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अमन शांति चाहते हैं और हमारा मैसेज है कि मस्जिद की तरफ से निकाय हटा दो, मुल्क अमन में रहेगा। मंदिरों की तरफ से, चर्च की तरफ से, गुरुद्वारों की तरफ से निगाहें हटा लो, मुल्क अमन में रहेगा। और अमन होगा तो तरक्की होगी, फसाद होगा तो ये मुल्क तबाह होगा। हम बार बार ये पैगाम देते हैं, हमारे बड़े भी ये पैगाम देते हैं और तमाम मुल्क के अंदर हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अमन को कायम रखना है तो मस्जिद मंदिर की सियासत को बंद करना होगा। अदालत के दरवाजे मस्जिद मंदिर के केस लेने को बंद कर दे। अदालत के दरवाजे मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले मामलात को खत्म करके मुल्क अमन व अमान में हो जाएगा। ये चंद बातें थी, ये पैगाम है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की तरफ से पूरी मिल्लत को, कौम को और प्रशासन पे बैठी हुई सरकार को। हम आखिर में यहाँ के प्रशासन को और यहाँ की हुकूमत को मुबारकबाद देते हैं कि जिस तरीके से यहाँ की हुकूमत तमाम लोगों को लेकर के चल रही है, इसी तरीके से अगर ये सरकार चलती रहे तो पूरे मुल्क के लिए, महाराष्ट्र सरकार अमन अमान के लिए और सारे मजाहिब वालों के तहफ्फुज़ात के लिए एक आइडियल और नमूना होगी। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अदालत कायम करो, कायम करो, कायम करो, इंसाफ की अदालत कायम करो, कायम
सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी वो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा वो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा आरएसएस मुर्दाबाद 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 आरएसएस मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 1991 एक्ट से खिलवाड़ बंद करो बंद करो बंद करो 1991 एक्ट से खिलवाड़ बंद करो 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 गुंडागर्दी बंद करो बंद करो गुंडागर्दी बंद करो बंद करो बंद करो गुंडागर्दी बंद करो बंद करो बंद करो गुंडागर्दी बंद करो मस्जिदों पर हमला नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे मस्जिदों पर हमला नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद